जय श्री राम मित्रों। देवी सती ने ली प्रभु श्री राम की परीक्षा। मित्रों, नकल करने में भी यदि अकल का प्रयोग न किया जाए तो उस व्यक्ति का हश्र कुछ वैसा ही हुआ करता है जैसा देवी सती जी का हुआ था। और वह भी तब जब व्यक्ति अपने को बहुत ही सियाना समझ लेता है। वह किसी अपने सहृदय की बात को भी अनसुना कर देता है। आइए समझते हैं कि गलती कहाँ हुई माता सती जी से। देवी सती भगवान शिव के साथ श्री राम कथा सुनकर लौट रही थी, तभी सीता हरण हो जाता है। प्रभु श्री राम जी साधारण मानव लीला करते हुए सीता जी को खोजते हुए विलाप करते हुए इधर से उधर भटक रहे हैं। भगवान शिव दूर से ही प्रभु श्री राम जी को देखकर अत्यंत श्रद्धा से प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन देवी सती जी सोचने लगती हैं कि शिव प्रभु इनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? ये तो एक साधारण मानव हैं जो अपनी पत्नी को खोज रहे हैं। प्रभु शिव उन्हें बहुत समझाते हैं कि देवी ये केवल लीला कर रहे हैं, वरना तो ये मेरे वही इष्ट भगवान हैं जिन्हें मैं निरंतर भजता हूँ। भगवान शंकर ने सती को पूरा वृत्तांत सुना दिया कि ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं, वह राम हैं और विष्णु भगवान के अवतार हैं। असुरों की समाप्ति और भक्तों की रक्षा करने के लिए ही इन्होंने श्री राम के रूप में अवतार लिया है। लेकिन देवी सती जी भगवान शिव के इस तरह से उपदेश देने पर भी नहीं मानती। तब भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी, यदि तुम्हें संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? तुम जाओ, तब तक मैं यहीं वट की छाया में विश्राम करता हूँ। अब देवी सती जल्दबाजी में बिना कोई अध्ययन किए कि सीता जी क्या हैं, कौन हैं, कैसे वो प्रभु संग रहती रही हैं, सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिधर से प्रभु श्री राम जी आ रहे थे। यही वे सबसे बड़ी गलती कर बैठी, क्योंकि सीता जी कभी भी इस तरह से प्रभु श्री राम जी से बिलग हुई ही नहीं। या तो वो आश्रम में रही, या जब कभी इधर से उधर गई तो वह प्रभु जी के साथ ही रही। दूसरा, देवी सती ने कथा को यदि ध्यान पूर्वक सुन लिया होता तो भी ये गलती ना होती। कथा में बताया गया था कि आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति आछे, उभय बीच सिय सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। इसके अतिरिक्त एक भी भाव भंगिमा देवी सती जी की माता सीता जी वाली नहीं थी, केवल चेहरा ही उन जैसा बनाया था। अब यदि देवी सती जी कुछ ऐसे ही राम और लखन जी के बीच आ पहुंचती तो शायद कुछ बन भी जाता, लेकिन उन्होंने जोश जोश में होश से तो काम लिया ही नहीं, तुरंत पहचान ली गई। प्रभु श्री राम जी ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया, साथ में लज्जित भी कर दिया कि माते, आज भोले बाबा को कहाँ छोड़ आई हो। लक्ष्मण जी तो एक बार भ्रम में फंस गए, लेकिन राम जी ने पहचान लिया, सती को प्रणाम किया, भगवती आपको प्रणाम, आप यहाँ कैसे, शंकर जी कैसे हैं? इतना कहना था कि सती को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई। तब उनको लगा कि अकारण किसी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए, मैंने शिव जी से कपट किया, जल उपय सरिस बिकाए, देखो प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसुजाई, कपट खटाई परत पुनि। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, यानी दूध फट जाता है और स्वाद यानी प्रेम जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा,
शंकर रुक अवलोक भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी। निज अग समुझी न कछु कही जाई, तपई अवा एव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के अवे के समान अत्यंत जलने लगा। वृष केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। वहां फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बट के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती वसहि कैलाश तब अधिक सोचु मन माही, मरमु न कोउ जान कछु जुग सम दिवस सराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था, इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधि अस बूझिए नहीं तोई, शंकर विमुख जियावसी मोई। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर जी से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय की गिलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है। मित्रों, इस माया से भरे संसार में सत्कर्म करने की इच्छा किसी की नहीं होती। सब अपनी वासनाओं इंद्रियों को पुष्ट करने में लगे रहते हैं। प्रभु कृपा होने पर ही जीव की सत्कर्म करने की इच्छा जागृत होती है। तो बोलो जय श्री राम। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम हर हर महादेव अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा को लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।